प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी। बच गई। कुछ भी कहो, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फिर सुधा वहां से अपने घर चला जाता है। जिमिन बेटा कहाँ थे अभी तक? कहाँ थे अभी तक? डैडी, I'm so happy. अरे? I'm so happy, Dad. आपको पता है डैड, आज मेरे इतने सारे फॉलोवर्स बढ़ गए। ओह, तो ये बात है। डैड, आपको पता है मैं इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर तुम कुछ बोल नहीं सकती तो इतना बोल रही हो। खुश हो ये बात ठीक है, पर इतने सारे फॉलोवर्स आए कहाँ से? आप जानना चाहते हो कि मेरे इतने सारे फॉलोवर्स कैसे बढ़े? इधर आओ। जानना चाहता हूँ, मेरी बेटी ने हवा में तीर मारा और वो सही निशाने पे लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा बताओ क्या हुआ? ये देखो डैडी, कितने सारे फॉलोअर्स आ रहे हैं। अरे वाह, मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से जानता था मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है। डैड, अभी आप मेरे बारे में जानते क्या हो? मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। जानता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी खूबियाँ हैं। अभी तक तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, अचानक से क्या जादू हो गया? हाँ, ये कोई जादू नहीं है डैड, ये तो मेरा टैलेंट है डैड। और एक इंसान आज मेरे लाइफ में आ गया, उसके वजह से मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। कौन था वो इंसान? कोई सेलिब्रिटी था क्या? नो डैड, सेलिब्रिटी से भी बढ़ के। आपको पता है वो कौन है? कोई ना, मैं ही बताती हूँ आपको। ओके बेटा, तुम अपने रूम में जाओ, आराम करो, बाकी बातें कल करेंगे। ओके, अभी कॉल उठा लो। ओके डैड, बाय, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर जिमिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज वो मेरे लाइफ में आया, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स बढ़ गए। अगर वो रोज मेरे साथ वीडियो डाले तो मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी। पर एक सेकंड, मैं तो उसका नंबर ही लेना भूल गई। नंबर होता तो मैं उससे बात कर लेती। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? काश मैंने उसका नंबर ले लिया होता, पता नहीं अब वो मुझे कब मिलेगा। एक्सक्यूज मी मैम, मेडिसिन है, ये उठेंगे तो दे देना। ओके, मैं तो कल यहीं सो गई थी, पता नहीं मॉम कैसी हैं, मैं उन्हें देखने भी नहीं गई। पहले मॉम को देख कर आते हैं। ये भी सो रहा है। अभी मैं जा सकती हूँ, इसके चक्कर में मैं अपनी मॉम को भी नहीं देख पाई। कहाँ है? मत जाओ प्लीज, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही, तुम शांत हो जाओ। मैं यहीं हो जाऊंगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। नहीं, मेरे पास यहीं रुको। कम ऑन जंगकुक, तुम बच्चे नहीं हो जो बात बात पे रोने लगते हो। मेरे कहने का मतलब कि जंगकुक, मैं अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम आराम करो, शांत हो जाओ प्लीज। ताए कहीं मत जाना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, आई लव यू टू। ज्यादा मत सोचो, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या मुसीबत है, इसे अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकते जब तक इसके फैमिली मेंबर्स नहीं आ जाते। कुकी बेटा, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, स्कूल जाना है। मॉम, मुझे मम्मा के पास जाना है, चलो ना मम्मा के पास। कुकी बेटा, स्कूल से आने के बाद। कुकी बेटा, जरा अपनी आंटी की भी बात सुनो, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। कितनी बार कहूँ, उससे दूर रहो, वो एक स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाते। नो, वो मेरी मम्मा है। कहा ना बेटा कुकी, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो बस तुम्हारी मम्मा की तरह दिखती है, तुम्हारी मम्मा नहीं है वो। नहीं, वो कुकी की ही मम्मा है। ओ बेटा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं, और आप सब भी इसे बताते क्यों नहीं? क्योंकि सबको पता है वो मेरी मम्मा है, वो कुकी के लिए और डैडी के लिए वापस आ गई। कहा ना बेटा, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। वो बच्चा, आप उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? आंटी ने कुकी को पिंच किया, बैड आंटी। सॉरी बेबी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कुकी, आप स्ट्रांग हो ना, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। कुकी बेटा शांत हो जाओ, मॉम तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज लाएंगी। ओह गॉड, ये बच्चों का शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जा रही मैं। बेटा कुकी शांत हो जाओ, वो चली गई ना, अब शांत हो जाओ, चलो अब स्कूल के लिए रेडी होते हैं। फिर जिन कुकी को लेकर वहाँ से रूम में चली जाती है। डैड, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ भाई को देखने के लिए। ओके शुगा बेटा, तुम जाओ और फोन करके बताना कि जंकू की हालत अब कैसी है।
बेटा कुकी, मैं क्या कहती हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉयज कभी नहीं रोते ना, आप तो स्ट्रॉन्ग हो ना, क्यों रोते हो? वो मेरी मम्मा है, बैड आंटी गलत है, कुकी सही है। ठीक है, बैड आंटी गलत है और कुकी सही है, ओके? कुकी को मम्मा के साथ रहना, मम्मा डैडी को लेकर कब आएंगी? अभी आपके डैडी ठीक नहीं है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब मम्मा के साथ वो घर आ जाएंगे। ये फिर कुकी हमेशा अपनी मम्मा के साथ सोएगा। वी भाई कैसे आप, ठीक तो है ना वो? अरे वाह, दर्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। इतना लेट आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे भाई का ध्यान रखने के चक्कर में मैं अपनी मॉम को नहीं देख पाई। अब यहाँ बैठो और अपने भाई को देखो, मैं चली अपनी मॉम को देखने। फिर वी वहाँ से चली जाती है। देखो तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा। भी देखो तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम, मैं चाहती थी आप ठीक हो जाओगे। मैं चाहती थी आप मेरी तरह स्ट्रांग हो, आपको कुछ नहीं होगा। आई लव यू मॉम, बस जल्दी से होश में आ जाइए। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं आपको खो ना दूं, पर सब कुछ ठीक है मॉम, सब कुछ ठीक है। डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं चलता हूँ। फिर जेहो वहाँ से चला जाता है। वी सब कुछ ठीक है, अब रो मत। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आखिर वो है कौन और तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे उसने क्यों लगाए? चिनवो, एक्चुअली वो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बताओ, मैं तो यही सुनना चाहता हूँ कब से। फिर भी सब कुछ बताती है शुगर्स के बारे में। ओह, तो तुम उसके भाई का ध्यान रख रहे हो, इसीलिए उसने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए। हाँ, उसने मुझसे कहा था मैं उसके भाई को ठीक कर दूंगी तो वो मुझे मुंह मांगे कीमत देगा। वाओ, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। पर अगर उस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है, वी इतनी कमजोर है कि कोई उसे हाथ लगा सकता है? तुम्हें हाथ लगाना तो दूर, तुम्हारी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। वो कह रहे तुम तलवार की तरह बहुत तेज हो ना। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? मैं चाहता हूँ तुम किसी लड़के को भाव नहीं देती हो, लड़कों को पसंद नहीं करती हो, तुम थोड़ी गुस्से वाली हो, तुम्हारी जुबान थोड़ी तेज है, मुझे मारती पीटती रहती हो, पर क्या करो, तुमसे प्यार हो गया। चुनवो, मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं मानती, और तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? वो भी क्या है ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मुझे लगा तुम्हें भी हो गया होगा मुझसे। नहीं, तुमने सब कुछ खुद के दिमाग से सोच लिया, मेरी मर्जी नहीं ली तुमने। हाँ वी, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या करूँ? कुछ भी मत करो, तुम मुझे रिंग पहना सकते हो, पर एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें अभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मॉम, आपको होश आ गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। काय बेटा, ये नू कितना अच्छा लड़का है, एक्सेप्ट कर लो ना उसे प्लीज। डॉक्टर ने आपको क्या कहा? कि आराम करो, आपका वो काम है तो आराम करो, आप फालतू इधर उधर की बातें मत सोचो, आप आराम करो बस। So guys, कल मैंने आप सबके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा वो, बाकी फ्रेंड है वो, मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं। मैं उसे आज तक अपने लाइफ में इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है गाइस। और आप सबको एक और बात बतानी है, मेरे डैड और उसके डैड के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप सबको पता है गाइस, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में दोस्ती कैसी है, बिल्कुल धर्मवीर के धर्मेंद्र और जितेंद्र की तरह, बिल्कुल चिकित दोस्त बन के रहते हम। बाय गाइस, बाद में बात करेंगे, अभी मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, तब तक के लिए बाय। जानते हो झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पर जिस झूठ से मेरा भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने लाइफ में दोबारा लेना चाहती हूँ, क्या तुम आओगे? बच्ची हो तुम, बच्चों के साथ खेल रही थी क्या? प्लीज मेरे साथ फोटो खिंचवा लो, मैं पोस्ट करना चाहती हूँ प्लीज। ओके, वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? अरे वाह, तुमने क्या कमाल की बात
बोलिए, तुम मेरे फैन हो और तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता? जिमिन, जिमिन नाम है मेरा, याद रखना अब। चलो कोई बात नहीं, फोटोज क्लिक करते हैं। थोड़ा उधर हो जाओ। अब मैं सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स आएंगे। तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल तुमने मुझे दो बार किस किया, वो भी मेरे बिना परमिशन के। ऐसा थोड़ा होता है, मैं तो बस खुश थी इसलिए मैंने तुम्हें कर दिया था, पर तुमने अभी मुझे बेवजह किया। कल तुमने मुझे दो किस किया था, आज मैं तुम्हें दो किस करूंगा, एक हो गई है, एक अब करूंगा। तो बाय, हिस्सा बराबर। बाय, ये एक्स्ट्रा किस थी। और हाँ, फोटोस क्लिक है, चाहो तो पोस्ट कर देना इन्हें भी। फिर शुगा वहाँ से चला जाता है। क्यों बेटे, मन में लड्डू फूटा? आपने कुछ सोचा है या फिर आपका दिमाग बेवकूफी से भरा पड़ा है? दिमाग लगाते भी हो कि नहीं? तुम मुझे क्यों सुना रही हो? तुम आखिर मुझे क्यों कहती रहती हो? और किसे कहूंगी? आप हमेशा आरएम के पैरों के नीचे रहना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना कि तबला, जब देखो बजाती रहती हो मुझे, जब देखो हमेशा मुझे सुनाती रहती हो। आपसे कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला आरएम, आपसे छोटा है फिर भी सारी कंपनीज हैंडल करता है और आपसे एक भी नहीं हैंडल होती। और शायद इसीलिए आपके डैड ने सब कुछ आरएम को दे दिया है, क्योंकि आप तो ठहरे बेवकूफ, आपका भाई हमेशा से इंटेलिजेंट है। तुम्हें आखिर हो क्या गया, इतना क्यों बोली जा रही हो? पता नहीं शुगा को कहां से ताई की हम शक्ल मिल गई और उस लड़की की वजह से जंगो होश में आ गया। बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ वही हैंडल करने लगेगा, सारी कंपनी सब कुछ। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें उनके पैरों के नीचे रहना पड़ता है, अगर तुम काबिल होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे बेटे को उसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लिया ना आपने? तुम्हें पता क्या गलत है, तुम औरतों के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। थोड़ा सब्र करो, मुझ पे भरोसा रखो। तुम अपना चने जैसा दिमाग लगाना बंद करो, मैं अपने बेटे के साथ सेटल हो जाऊंगी। तुम अपना देखो, रोड पे आ जाओगे। तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं है? तो तुम क्या सोच रहे हो, अपने बेटे के पैसों पे जियोगे? Shame on you. ताई, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, यही पर हूँ मैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो टाइम मुझे लगा तुम कहीं चली गई, तो इसीलिए मैं बस बुला रहा था। हाँ ठीक है, कहीं नहीं जा रही मैं, तुम फिक्र मत करो, तुम लेट जाओ, तुम्हें उठना मना है तो लेटे ही रहो, आराम करो। ताई, वैसे हमारा कुकी कैसा है? मुझे बहुत याद करता होगा ना, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुमने भी मुझे बहुत याद किया है ना ताए? ताए, हाँ कर ही रही होगी तुम्हें याद, मुझे क्या पता। ताए, तुमने अभी क्या कहा? मेरे कहने का मतलब कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया और तुम अब आराम करो, ओके? क्या कर रहे हो तुम? देखो हॉस्पिटल है, छोड़ो मुझे, जाने दो, रुको। ताए, तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ रही हो? जब से होश में आए तब से तुम मेरे पास भी नहीं आई, इतने स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है तुम जंकुक, तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो, ओके? मुझे जाने दो, रुको। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुमने मुझे एक भी किस नहीं किया जब से मैं होश में आया हूँ, प्लीज एक किस तो कर दो। क्या किस? देखो अभी हम हॉस्पिटल में, ओके? ताई प्लीज एक किस तो कर दो, यहाँ देखो कोई भी नहीं है, प्लीज। क्या पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? फालतू चीजों के बारे में मत सोचो, आराम करने की जरूरत है, आराम करो। ये बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी किस से मुझे कितना आराम मिलता है। जंकुक जिद मत करो, अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है, आराम करो। ओ तो तुम मुझे मना कर रही हो, मेरी ताई शर्मा रही है क्या? कोई बात नहीं बेबी, अपने हस्बैंड को किस करने में कैसे शर्म? हाँ? जंकुक नो, स्टॉप प्लीज, बिल्कुल नहीं। हाँ? मैं तुम्हें इतने दिनों बाद किस कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? देखो पर मुझे अच्छा लग रहा है। उस शुगा की वजह से आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखो जंकुक छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो,
कोई आ जाएगा प्लीज, ये तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, रुक ही नहीं रहा है, क्या करूँ मैं? चंकू प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज कोई आ जाएगा, रहने दो। मुझे पता तुम शर्मा रही हो, पर फिर कभी मैं इस किस को जरूर कंटिन्यू करूंगा। मन तो कर रहा तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। इतने एंग्री लुक्स मत दो बेबी। शुभा एक बार तुम वापस आओ, तब मैं बताती हूँ तुम्हें। एक किसी तो क्या है बेबी, लो तुम भी मुझे कर दो। तुम अपना मुंह बंद करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो बिना परमिशन के मुझे किस कर लिया, और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं तुम्हें किस करूं? नहीं करूंगी तुम्हें।